स्टूडेंट्स, कक्षा 7 के पंडिता रमाबाई का अनुवाद हो रहा है, जिसका ये तीसरा वीडियो है। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। फिर वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। यहाँ पर जन्मभूमि छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीराम सम्मान आए, नारियों के सम्मान शिक्षाए चा और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवन अर्पित वती। उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुत वती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती। इंग्लैंड देश गई वह, उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से स्त्री विषय के, ईसाई धर्म के स्त्री विषय उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ पर वो ईसाई धर्म के स्त्री विषय उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आई। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारतस्य भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता हेतु अर्थसंचय मतलब धन का संचय किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियाँ जो होती हैं उनकी सहायता के लिए धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। ठीक है, भारत लौट करके उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में निसहाया स्त्रियाँ, जो असहाय स्त्रियाँ थीं निवसंती इसमें रहती थी। इस आश्रम में जो है असहाय स्त्रियाँ रहती थीं। तत्र स्त्रियाँ, वहाँ पर जो है स्त्रियाँ क्या करती थीं, मुद्रण छपाई टंकण जो है टाइपिंग जिसको बोलते हैं टंकण, काष्ठकला आदि जो कि लकड़ी की जो सामान बनाने की कला होती है उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। तो वहाँ पर उसमें क्या होता था, वहाँ पर जो स्त्रियाँ थीं वो छपाई टंकण और लकड़ी के सामान आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। धन्यवाद।